बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम सामईन, बाबे इलम में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है अल्लाह के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। सामईन, दुनिया में हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों लोग आते, जिंदगी गुजारते और मर जाते हैं। हमें ना तो हर किसी के बारे में मालूम होता है और ना ही हर किसी के बारे में जानने की ख्वाहिश होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने कामों की वजह से हमेशा दिलों और जहनों में जिंदा रहते हैं। आज मैं एक ऐसे इंसान के बारे में बात करूंगी जो एक चमकते हुए सूरज की मानिंद हैं, जो अपनी रोशनी से दिलों और जहनों को रोशन कर रहे हैं। जी सामईन, मैं बात कर रही हूँ सर कासिम अली शाह साहब की, जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट पर्सनैलिटी हैं। सामईन, शाह साहब पूरी दुनिया में मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर जाने जाते हैं। शाह साहब ना सिर्फ स्पीकर बल्कि लाइफ कोच, राइटर और बेहतरीन उस्ताद भी हैं। शाह साहब बहुत ही खूबसूरत और मजबूत शख्सियत के मालिक हैं। कासिम अली शाह साहब एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिनको सुनकर ना सिर्फ माइंड बल्कि लाइफ चेंज हो जाती है। इनकी बातें इंसान को हिम्मत और हौसला देती हैं, आगे बढ़ने और कुछ कर गुजरने का जोश देती हैं। इनकी बातें इंसान को खुद की और अल्लाह की पहचान सिखाती हैं, अल्लाह पर मुकम्मल यकीन, सब्र और शुक्र सिखाती हैं। सामईन, इससे पहले मैं सर कासिम अली शाह साहब की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालूं, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी के रेड बटन को प्रेस करना ना भूलें। मेरी वीडियोस लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जी तो सामईन, कासिम अली शाह साहब गुजरात के एक छोटे से गाँव में 25 दिसंबर 1980 में पैदा हुए। कासिम अली शाह साहब बचपन में पढ़ाई में ज्यादा अच्छे ना थे, 8वीं क्लास तक अक्सर फेल हो जाया करते थे, लेकिन फिर इनकी जिंदगी में एक ऐसे उस्ताद आए जिन्होंने कासिम अली शाह की हिम्मत बंधाई, थपकी दी, शाबाश दी और कहा बेटा आप कर सकते हो, और वो कर गुजरे, 9th में टॉप कर गए, अपने क्लास फेलोज टीचर्स को हैरान कर दिया। मैट्रिक के बाद लाहौर के कॉलेज सिविल लाइंस में FSC प्री इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। वो अक्सर अपने दोस्तों से कहा करते थे कि मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा, दुनिया में मेरा नाम होगा। इस बात पर उनके दोस्त सिर्फ कहकहा लगा कर रह जाते थे, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वो ऐसे शख्स के दोस्त हैं कि कल उनको इस शख्स की दोस्ती पर फख्र होगा, बल्कि कल पाकिस्तान को इस शख्स के पाकिस्तानी होने पर फख्र होगा। कासिम अली शाह साहब इस दौर में खामोश तबीयत थे, इत्माद की बहुत कमी थी, माशी हालात और मसाइल बहुत ज्यादा थे, एक परेशान सी पर्सनैलिटी थी। वो एक बैक बेंचर थे, लेकिन फिर भी किताबें पढ़ने का जुनून की हद तक शौक था। कुछ कर गुजरने और कुछ बन जाने का हौसला और लगन पैदा हो चुकी थी। फिर FSC में टॉप करके उन्होंने UET में एडमिशन ले लिया और इंजीनियरिंग के बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज में जॉब स्टार्ट कर दी, लेकिन उन पर यह बात अया हो गई कि वो किसी भी किस्म की नौकरी के लिए बने ही नहीं हैं। वो एक उस्ताद हैं और इन्हें न सिर्फ मुल्को कौम के नौजवानों बल्कि दुनिया को सिखाना है, इन्हें अपने फैसले खुद करने के काबिल बनाना है। इसी सोच को माइंड में रखकर उन्होंने एक एकेडमी बनाई। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ बेहतरीन तरीके से गाइड किया जाता, उनकी करियर काउंसलिंग की जाती, एकेडमी में लेक्चर्स दिए जाते। अब कासिम अली शाह साहब के एक दोस्त ने उनको मशवरा दिया कि आप जो भी मोटिवेशनल लेक्चर देते हैं उनकी वीडियोस बनाएं और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दें। उन्होंने ऐसा ही किया। 2015 में वीडियोस वायरल हो गईं और इस तरह वायरल हो गईं कि उन्होंने खुद भी कभी नहीं सोचा था। देखते ही देखते उनका काम, उनका नाम पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल गया। कासिम अली शाह साहब ने बहुत सी किताबें लिखी। आज अपनी मेहनत, लगन और खलूस की वजह से वो शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच चुके हैं। 2017 में कासिम अली शाह साहब की फाउंडेशन ने ट्रेनर्स पैदा करने शुरू कर दिए। उनका कहना है कि दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने का जज्बा और उनके पेरेंट्स की दुआएं ही हैं
जिनकी वजह से अल्लाह ने उन पर करम कर दिया है और उन्हें सही मानों में रंग लगा दिया है। सामईन, ऐसे ही और भी बहुत से अजीम इंसानों के हालातों वाकयात, उनकी हिम्मत, लगन, जोश और वलवले से भरपूर जिंदगी के बारे में जानने के लिए बाबे इलम को अपनी रूटीन लाइफ का एक लाजमी हिस्सा बना लें। इस पर रोज मिलेंगी आपको नई वीडियोस, इस पर रोज मिलेंगे आपको नए भरपूर खूबसूरत इस्लामी और मालूमाती टॉपिक्स। मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक बाबे इलम सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और हमारे सब्सक्राइबर बन जाएं। सामईन, मेरी वीडियोस अपने तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर शेयर करें। बहुत शुक्रिया। कल तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह।